को पूरा एलिमिनेट कर चुका है सेवन पोजीशन पे, इंसिडियस एंड वेलोसिटी मिलकर वेलोसिटी इस मैच पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे अकबर। यस वेलोसिटी भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, आईएनएस भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है एंड ऑरेंज रॉक तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। आईएनएस आज जिस तरह से खेली है वहां पे बीएलटी के अलादीन ने सांगवान को स्पॉट किया है, यहां पे ओआर के कैरी के एकदम सामने है आईएनएस का स्मोकी, वहां पे आप देख सकते हो भीष्मा भी नॉक हुआ है, इनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर स्मोकी को यहाँ पर कैरी नॉकआउट कर देते तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एनटीटी से अकेले बंदा जो वीडू है उसने पीछे से आईटी के एक बंदे को नॉकआउट कर चुका है, एसएससी ने यहाँ पर ऑफ चला रहा है, यहाँ पर अगर स्प्रे करता है तो मेरे ख्याल से इंसिडियस के दो किल वहाँ पर उस लोगों को निकाल सकता था, लेकिन आईएनएस के स्कोर से संगवन ओवर क्लीन आउट हो चुके हैं एंड अगर ये बॉडी शॉट भी पड़ जाते तो बहुत ज्यादा डैमेज होगा। एट लास्ट एसएससी ने एम फोर निकाल चुका स्प्रे करने के लिए एंड अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो सकता है ऊपर की टीम से एंड जो ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है बहुत ही प्यारा है भाई। यहाँ पे टीम आई एन डी बीएलटी की टीम को पिन करके रखी है, यहाँ पे एसएससी पे शॉट देते हुए क्रैटोस ने एसएससी को पिक ऑफ किया, क्रैटोस ने एक ही किल ले पाया अभी तक अपने टीम के लिए। वहाँ पे ओआर के संधू ने स्लेयर को नॉक किया, वाइपर ने वहाँ पे एसएससी का किल स्टील किया और अपने किल काउंट को तीन पे ले गया। अब एमजे को पता कि वाइपर नीचे लोअर ग्राउंड पे है, आई थिंक डेफिनेटली वाइपर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, वॉली आया आई थिंक उस पर अब थोड़ा सा शॉट्स भी आ रहे हैं, एमजे वाइपर को होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे। अब हमें देखना होगा कि क्या 1v1 फाइट में वाइपर अपने टीम के लिए और एक किल निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता। वेलोसिटी के ऊपर अगर बात करेंगे तो ये लोग तीनों बंदे बचे हैं, आठ किल निकाल चुके हैं। आईटी से अभी देखा मैंने एक बंदा डाउन हो चुका था, वेलस सोल को सोल से वाइपर को जोन के अंदर आना पड़ेगा एंड स्मोकी ने पास से वाइपर का किल आउट करते तो यहाँ पर चार स्क्वाड बचे हैं वेलोसिटी आईएनएस ऑरेंज रॉक एंड आईएनडी एंड तो गाइस यहाँ पर ऑरेंज रॉक फिर से चारों के चारों बंदे लास्ट जोन में अपने टीम को लेके आ चुका है तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो दे रहा है ऑरेंज रॉक उसके सामने सब टीम फीके पर रहे थक भाई। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑरेंज रॉक परफॉर्मेंस के सामने सब टीम फीके, आठ किल ऑलरेडी इनके पास हो चुके हैं एंड यहाँ पे नौवे किल कैरी कंफर्म करते हुए क्रैटोस को। आईएनएस आईएनडी का इकलौता बंदा बचा दलजी, दलजी तो स्लेयर यहाँ पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए एंड ओआर का संधु। अब यहाँ पे आईएनएस वर्सेस ओआर, देखिए आईएनएस के पास ऑल्दो जोन एडवांटेज है लेकिन ओआर के पास जो हाइट एडवांटेज है वो चीज को अगर ओआर कैपिटलाइज कर ले, जो वो करना जानते हैं कि उन लोग हाइट से अगर उनके ऊपर पुश करे तो लोग डेफिनेटली सबको क्लियर आउट कर पाएंगे। पीछे से एक्सी एनीवेज क्लोजिंग कर रहा है उनके टॉप पे जहां से वो भीष्मा स्मोकी और सांगवान को एक ही बार में फिनिश कर सकते हैं। यस यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वाड भी नीचे से पुश कर रहा है तो आईएनएस यहाँ पर दोनों साइड से सैंडविच है, अगर बहुत ही प्यारा नेट सेंधु की तरफ से स्मोकी को बराबर कर चुका है एंड एक प्ले में एक्सिस्टेंट ने एक बंदे नॉक एंड जोकर भी फिनिश तो इंसिडियस यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुका है। वेलोसिटी का स्क्वाड नीचे है, उन लोगों से उनके अंदर आना पड़ेगा, एक्सिस्टेंट को डैमेज पड़ेगा तो नॉकआउट हो सकता है, वही नॉकआउट हो चुका है एक्सिस्टेंट एंड यहाँ पर 12 केस फिर से डबल डिजिट किल्स पे आ चुका है ऑरेंज लॉक एंड संधु ने अकेले 10 किल निकाले थे भाई। Yes, OR के संधू यहाँ पे ओपी परफॉर्मेंस करते हुए एंड आई थिंक यहाँ पे उनका जो परफॉर्मेंस है एंड वहाँ पे वीएलटी के एमजे ने फिर से मवी को नॉक किया है। यहाँ पे वीएलटी थोड़ी एग्रेसिव गेम प्ले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पर संधू वहाँ पे आते हुए वीएलटी के एमजे को फिनिश ऑफ करने की, संधू ने यहाँ पे 10 किल ली, वो वहाँ पे कुछ एरर था, ये आई थिंक कुछ गड़बड़ चल रहा है, मुझे कब से देख रहा हूँ मैं कि जो फीड आ रहा है वो काफी गलत आ रहा है। यहाँ पे OR के संधू ने 5 किल निकाले हैं एंड यहाँ पे OR के संधू यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं अपने पूरे टीम के लिए, अलादीन और गोजेटा को होल्ड बैक करके रखे हैं ताकि मावी और कैरी दोनों रिवाइव हो जाए एंड आईएनएस का एक बंदा राइट पे बचा, आईएनडी का एक बंदा लेफ्ट पे बचा है। आईएनडी से जो बचे है दलजीत वो अपनी टीम को एटलीस्ट सेकंड पोजीशन के लिए तो खिलाना की कोशिश कर रहा है एंड ऑरेंज रॉक से यहां पर दो बंदे जो नॉक है, एक वेलोसिटी से अगर छोटा सा कुक नेट आ जाता है तो पूरा कंफर्म हो सकता है। मवी को वहां पर रिवाइव दे दिया गया, एक्सिस्टेंट कवर दे रहा है, दलजीत को अभी भी 11 मीटर जोन के अंदर जाना पड़ेगा, सामने एक ड्रॉप भी है, शायद वो ड्रॉप लेकर लेवल 3 हेलमेट बेस हो जाएगा लेकिन जोन के नेक्स्ट जोन अगर दलजीत के ऊपर नहीं बनता तो दलजीत के लिए नेक्स्ट जोन जाना लिटरली इम्पॉसिबल होगा क्योंकि इतना हाई रिस्क ऊपर चढ़ना ऑरेंज लॉक तो चढ़ने ही दे देंगे। अब ऑरेंज लॉक लेकिन जिस तरह से खेल लिया चारों के लास्ट तक हमेशा बचे रहते हैं, आई थिंक ये उनका बहुत ही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है एंड यहाँ पे ओवर का कैरी का एक स्मोक आया है पर यहाँ पे अच्छा वॉली आया है सबको ऑफ गार्ड आने की कोशिश, बहुत ही प्यारा टेक्निक कैरी, अब यहाँ पे गोजेटा को शायद ऑफ गार्ड पकड़ सकता है क्योंकि जोन भी क्लोजिंग कर रहा है एंड आई थिंक ये ऑरेंज रॉक का चिकन डिनर मुझे होते हुए दिख रहा है ना, अगर ऐसा होता है तो उनका 60 किल्स का बहुत ही प्यारा चिकन डिनर आ सकता है। यस एंड उधर मवी ने एमजे का नॉकआउट किया तो वेलोसिटी से सिर्फ अकेला बंदा एजे बचा था, एजे भी यहाँ पर डाउन, आई थिंक आईएनडी की तरफ से वो किल सिक्योर कर दिया गया, नहीं एग्जिस्टेंट ने कंफर्म कर दिया था, 15 किल्स हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू सी वन मोर चिकन डिनर ऑफ टीम
ऑरेंज रॉक, क्योंकि दलजीत यहाँ पर स्पॉटेड है एंड वो क्लियर आउट हो जाएंगे, कोई चांस ही नहीं है दलजीत का। लो रीच है, अगर हाई रीच होता तो कुछ हो सकता था। लेकिन गाइस हैशटैग जीजी फॉर ऑरेंज रॉक फॉर द ऑसम चिकन डिनर भाई, बहुत ही प्यारा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.